हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद 1 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल दैट रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। सो कारण है गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम का फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस टाइम पे क्रोमोसोम अच्छी तरह से सेग्रीगेट नहीं कर पाते, जिसके कारण या तो क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, कई बारी क्रोमोसोम कम हो जाता है, कभी अब नॉर्मल अरेंजमेंट हो जाती है, जिसके कारण जो है अलग अलग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नेम वन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब कि जो कोई बीमारी है वो हर जनरेशन में शो हो रही है, और ऑटोसोमल रिसेसिव कि वो हर जनरेशन में शो नहीं हो रही है, कभी शो हो रही है कभी नहीं, कभी कोई इंडिविजुअल कैरियर है और कभी वो खुद उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, कभी वो सिर्फ उसे सिर्फ अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है, खुद इफेक्ट नहीं हो रहा। हंटिंगटन्स डिसीज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। क्वेश्चन 3 दैट इज अ हीमोफीलिक सन वॉज बॉर्न टू अ नॉर्मल पेरेंट्स गिव द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स एंड सन। जो हीमोफीलिया का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और मेल जो है वो तो देता है वाई क्रोमोसोम सन को, और जो फीमेल है वो देती है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो फीमेल एक्स क्रोमोसोम देती है, इसका मतलब है फीमेल पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मेल की जो फिनोटाइप है वो सिंपली आ जाएगी जो नॉर्मल होती है 44+XY, और फीमेल जो है उसकी जीनोटाइप आएगी 44+XX^H, बिकॉज उसने हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है जो उसने अपने सन को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और जो सन है उसकी आ जाएगी हीमोफीलिया पॉजिटिव है तो उसकी आ जाएगी X^H/Y, मींस ही विल बी इफेक्टेड बाय हीमोफीलिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द जीनोटाइप ऑफ वन एन इंडिविजुअल हु इज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया जीन बट अपेरेंटली अनफेक्टेड एंड एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद द डिसीज। सो इसमें क्या होगा, अगर तो ये पहले तो दो एलील्स उसको कंट्रोल करते हैं सिकल सेल एनीमिया को, HbA एंड HbS। अगर तो HbA और HbS साथ में प्रेजेंट है जैसे कि फर्स्ट केस में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो HbS है वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, HbA कर जाएगा, और उस इंडिविजुअल में सिर्फ ये इसका इफेक्ट डिसीज़ का कोई शो नहीं होगा, सिर्फ वो एक कैरियर होगा सिकल सेल एनीमिया का। बट अगर HbS और HbS एलील साथ में प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट भी शो होगा और उसमें मतलब वो डिसीज शो अप हो जाएगा, अनलाइक द केस वन, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गार्डन पी प्लांट ए प्रोड्यूस्ड इन्फ्लेटेड येलो पॉड एंड अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज प्रोड्यूस्ड कंस्ट्रक्टेड ग्रीन पॉड्स, आइडेंटिफाई द डोमिनेंट। सो इसका आंसर होगा इन्फ्लेटेड एंड ग्रीन पॉड। इसका जो आंसर है वो आपको 7 ट्रेट्स जो हमने मेंडल एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट की पढ़ी थी उसमें मिल जाएगा कि कौन सी ट्रेट कौन से करेक्टर के लिए डोमिनेंट है और कौन सी रिसेसिव है। नेक्स्ट इज अ गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूस एक्सियल फ्लावर्स वाइट फ्लावर्स अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस टर्मिनल वॉलेट फ्लावर, आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट। सो ये भी वही आ गया जो 7 ट्रेट्स पढ़ी थी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पोजीशन और कलर ऑफ फ्लावर वाले करेक्टर्स की बात की गई है जिनके लिए एक्सियल और वॉयलेट कलर जो हैं वो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन नेम प्लांट विच शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या, सबसे पहले लाइक एक एलील था फॉर रेड कलर, दूसरा एलील था फॉर वाइट कलर, इसको स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। तो जब ये दोनों एलील्स कभी हेटरोजाइगस कंडीशन में है लाइक आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यूजली हम क्या देखते हैं, जब हेटरोजाइगस कंडीशन होगी तो डोमिनेंट वाला अपने आप को शो करेगा, बट इसमें ये नहीं है, इसके अंदर ना ये अपना पूरा करेक्टर शो करेगा ना ये, ना रेड कलर के फ्लावर्स होंगे ना वाइट कलर के, कौन से कलर के फ्लावर आ जाएंगे, पिंक कलर के, एक इंटरमीडिएट कलर बन जाएगा पिंक जिसके कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे। इसके एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, सो इट्स एग्जांपल इज एंटीराइनम मेजस।
नेक्स्ट आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बिकम इलोंगेटेड सिकल शेप स्ट्रक्चर्स इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया. सो एक जो इसके अंदर बेसिकली पूछा गया है कि सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या होता है. सो एक पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसके कारण क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन. ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि शेप जो होती है वो सिकल शेप हो जाती है, जिसके कारण जो है आरबीसीज जो हैं सिकल शेप होने के कारण के ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं कर पाते. ठीक है, और इसके कारण जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर ऑक्सीजन स्ट्रेस है मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो उसके कारण क्या होता है उनको तब प्रॉब्लम होने लगती है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग लाइंस एंड व्हाट दैट आर यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन प्लांट. सो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं बेसिकली. ठीक है, जिनको यूज़ करते हैं हम इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए ट्रेट्स के. सो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उन प्लांट्स को कहते हैं विच आर हैव अंडरग्रोन कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उनका अपने आप से ही बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हुआ काफ़ी जनरेशन्स तक, उनको क्या कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस. ये क्या होते हैं होमोजाइगस फॉर ट्रेट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर अगर कोई ट्रेट शो हो रही हैं लाइक अगर दे आर टॉल सो उनके अंदर T कैपिटल D प्रेजेंट होगा. मतलब ये नहीं है कि हाइब्रिड कंडीशन होगी हेटरोजाइगस कंडीशन होगी कि कैपिटल T और स्मॉल T प्रेजेंट हो, नहीं उनके अंदर कैपिटल T वाला ही टॉल प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट फादर नेवर पासेज ऑन जीन ऑफ हीमोफीलिया टू हिज सन्स, एक्सप्लेन. जो हीमोफीलिया है वो एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है. ठीक है, सो ये जो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो हीमोफीलिया जीन है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम के साथ ही लिंक्ड होता है, वो वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक नहीं होता. और अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो फादर अपने सन को कौन सा क्रोमोसोम डोनेट करता है, कौन सा क्रोमोसोम देता है, वाई क्रोमोसोम देता है. सो अगर वो हमेशा अपने सन को वाई क्रोमोसोम देता है और डिसीज़ हमेशा एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होती है, सो फादर कभी भी अपने सन को हीमोफीलिया डिसीज़ जो है वो पास ऑन नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूमन बींग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम शोज ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मैंशन द कॉज ऑफ दिस क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी. सो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. सो ये जो पहले मैं आपको बता दूँ जो हमने हीमोफीलिया पढ़ा है वो एक सेक्स लिंक डिसीज़ है. ठीक है, सेक्स लिंक डिसीज़ है और ये जो है ये ऑटोजोमल डिसीज़ है. ठीक है, ये ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स के साथ लिंक्ड होती है. तो इसकी क्या होता है कि जो 21st क्रोमोसोम होता है, वैसे क्या होता है हर बारी जो क्रोमोसोम एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक क्रोमोसोम फादर और एक क्रोमोसोम मदर से आता है. ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग ऊ जेनेसिस जो 21st क्रोमोसोम है, मतलब जब एग फॉर्मेशन हो रही है तो 21st क्रोमोसोम आप अलग अलग नहीं हो पता, वरना क्या होता है कि जो गमीट है चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो एग हो उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम जाना है फादर या मदर जो भी रिस्पेक्टिवली है. बट कई बार क्या फीमेल क्या में क्या होता है नॉन डिस्टिंक्शन हो जाती है, 21st क्रोमोसोम अलग ही नहीं हुआ, एक पेयर में ही एग में चला गया. सो अब जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होनी है एग क्या लाएगा 2 क्रोमोसोम ले आएगा, मतलब उसके अंदर टोटल 24 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि 21st क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है और स्पर्म से एक क्रोमोसोम आया. सो जो 21st क्रोमोसोम की क्या होगी ट्राइजोमी होगी, जहाँ वहाँ पर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए थे, एक पेयर में प्रेजेंट होने चाहिए थे, वहाँ पर 3 प्रेजेंट है. सो इट देयर इज ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है. तो ये कारण था क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का. नेक्स्ट आर 3 मार्क्स क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ग्रासहॉपर एंड ड्रोसोफिला सेट टू शो मेल हेटरोगैमिटी, एक्सप्लेन.
एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन फीमेल हेट्रोगेमिटी विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो हेट्रोगेमिटी क्या होती है, वर्ड से एक्सप्लेन हो रहा है कि जब दोनों गेमिट्स अलग अलग होते हैं किसी इंडिविजुअल में. सो ये क्यों होता है, बिकॉज जो दोनों सेक्स क्रोमोजोम्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ड्रोसोफिला हेट्रोगेमस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है और उसके जो दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, एक में एक्स क्रोमोजोम होता है एक में वाई क्रोमोजोम होता है. जबकि उसकी जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर दोनों जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, मतलब वो होमोगेमस है. सेकेंड एग्जांपल जो दी है हेट्रोगेमिटी इन मेल की वो है ग्रास ऑपर, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों गेमीट्स जो हैं एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम और एक के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, इसके कारण जो है दोनों गेमीट्स वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा कि फीमेल हेट्रोगेमिटी की, मतलब फीमेल में की एग्जांपल दो जिसके अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स अलग है जिसके कारण दोनों गेमीट्स अलग अलग हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाती है फीमेल बर्ड्स, जिसके अंदर एक गेमीट के अंदर जेड और दूसरे गेमीट के अंदर डब्ल्यू क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक, मेल्स के अंदर जो है बर्ड्स में वो होमोगेमिटी शो होती है, मतलब उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं जेड क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्कआउट अ क्रॉस टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल पी प्लांट नेम द टाइप ऑफ क्रॉस और हाउ द टेस्ट क्रॉस हेल्प टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप. सो हम लोगों को यहाँ पर उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा क्रॉस हम ड्रॉ करें जिससे हमें जीनोटाइप क्या है टॉल पी प्लांट की वो पता चल सके, या दूसरा है कि टेस्ट क्रॉस जो है वो कैसे हेल्प करता है जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने में. ये तो हमें एक पी प्लांट दे दिया, हमें नहीं पता वो टॉल जो है कंडीशन उसकी जो शो हो रही है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के कारण है या होमोजाइगस कंडीशन के कारण है. तो हम क्या करेंगे कि जो भी दिया है हम उसे ड्वार्फ जो होमोजाइगस कंडीशन का एक प्लांट लेंगे उसके साथ हम उसे क्योंकि अगर कोई ड्वार्फ है फिर तो वो होमोजाइगस है. ठीक है, उसको हम साथ जो हमारा पी प्लांट हमें गिवन है उसके साथ क्रॉस करवाएंगे. अगर तो वो हुआ होमोजाइगस टॉल तो केस वन बनेगा कि हमारा जो है सारे जो प्लांट आएंगे वो होमोजाइगस डोमिनेंट आएंगे, मतलब सबके सब टॉल आएंगे. और अगर हमारा केस टू हुआ, मतलब अगर हमारा जो गिवन प्लांट है वो हेट्रोजाइगस टॉल हुआ, सो जो हमारा प्रोजनी आएगी F1 जनरेशन की वो क्या आएगी, आधी वो टॉल आएगी. ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल, और आधी वो ड्वार्फ आएगी, आधी टॉल आएगी आधी ड्वार्फ आएगी. ठीक है, सो इससे अगर तो ऐसा होता है कि आधी टॉल आई है आधी ड्वार्फ आई है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर 50-50% आया रिजल्ट सो वो जो है हेट्रोजाइगस टॉल था पेरेंट प्लांट. अगर हमारा जो रिजल्ट है वो सारा होमोजाइगस टॉल आया, मतलब कि सबके सब ही टॉल आए हैं, कोई ड्वार्फ प्लांट नहीं आया F1 प्रोजनी में, सो वो तो हमें देख के पता चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा गिवन प्लांट जो था वो होमोजाइगस टॉल था. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस मल्टी एलिज्म एंड को डोमिनेंस टेकिंग द ABO ब्लड ग्रुप एज एन एग्जाम्पल एंड व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द फॉलोइंग. आगे हमें दो दी हुई है जीनोटाइप्स दी हुई हैं तो हमने बताना है उसकी फिनोटाइप क्या होगी. सो सबसे पहले बात करें डोमिनेंस की. सो जो एलील ए एंड बी वो दोनों डोमिनेंट है ओवर एलील आई. ठीक है, एलील है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो तो जब भी आई ए और स्मॉल आई साथ में प्रेजेंट है या आई बी और स्मॉल आई साथ में प्रेजेंट है, सो जो ब्लड ग्रुप शो होगा वो होगा ब्लड ग्रुप ए इन द फर्स्ट केस और ब्लड ग्रुप बी इन द सेकंड केस. ठीक है, अगर जो आई है उसे अपनी फिनोटाइप दैट इज ब्लड ग्रुप ओ शो करना है तो उसे कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होना पड़ेगा, होमोजाइगस कंडीशन में. ये हमें पता ही है, आगे भी हमने किया है कि जो रिसेसिव एलील है वो अगर होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट हो तो ही अपना करैक्टर शो करता है. तो यहाँ पर हमने डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन कर दी. ठीक है, आगे मल्टी एलिलिज्म, जीन की एक लोकस पे ही एलील प्रेजेंट होता है. ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक एलील प्रेजेंट होता है. अगर वैसे तो दो एलीलिक फॉर्म्स ही प्रेजेंट होती हैं. ठीक है ना, कि जैसे हम उसमें टॉल और ड्वार्फ की बात करते थे तो यहाँ टॉल प्रेजेंट है ड्वार्फ प्रेजेंट है हाइट के जीन के ऊपर. बट कई बार क्या होता है कि एक दो से ज़्यादा भी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर तीन एलील्स प्रेजेंट होते हैं जीन वन जीन आई पे. सो उस केस में क्या है, कौन सा करेक्टर शो हो रहा है, मल्टी एलिलिज्म. तो यहाँ पे वही बताया कि अगर ABO ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन बींग्स में है उसमें बात करें तो वन जीन आई हैज़ थ्री एलीलिक फॉर्म्स
आई ए, आई बी एंड आई ओ, या उसको स्लैश हम दूसरा क्या कहते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। अब को डोमिनेंस क्या है? को डोमिनेंस इज अ फिनोमिना इन विच बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्स, ठीक है। अगर दो एलील साथ में प्रेजेंट है, ये हम लोगों ने देखा था जब टॉल ड्वार्फ की बात की थी, कि यहाँ तो कैपिटल टी अपने आप को शो करता था या स्मॉल टी अपने आप को शो करता था, कि अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी, सो वो कैपिटल टी अपना फिनोटाइप शो करेगा और टॉल होगा प्लांट। बट कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, हमने अभी बात की कि जो ब्लड ग्रुप ए और बी है, यहाँ पर हमने बात की थी कि ब्लड ग्रुप ए और बी है वो दोनों डोमिनेंट है ओवर एलील आई, ठीक है। मतलब ये दोनों डोमिनेंट आई के, आई से तो ये दोनों ज़्यादा हैं, बट ए और बी में से कौन सा डोमिनेंट है? इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो ये दोनों एलील जब साथ में प्रेजेंट होते हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो हम दो एलील जो हैं वो इनहेरिट करते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। अगर तो जीनोटाइप अगर आ जाती है आई ए आई बी, सो इंडिविजुअल में क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप शो होगा, ठीक है। इस क्योंकि उसके जो आई ए और आई बी हैं वो दोनों का इक्वल इन्फ्लुएंस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो था कि हमने बताना था आई ए आई और आई आई का जो है वो हमने ब्लड ग्रुप फिनोटाइप बताना था। तो अगर आई ए आई है, मतलब आई ए जो है वो हमें पता है डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ब्लड ग्रुप विल बी ए। और अगर हम बात करें आई स्मॉल आई साथ में प्रेजेंट है, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन जीन्स इन ड्रोसोफिला दैट वर सेक्स लिंक्ड, टी एच मॉर्गन फाउंड पॉपुलेशन फिनोटिपिक रेशोज डेविएटेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड 9:3:3:1, एक्सप्लेन द कंक्लूजन ही अराइव एट। सो जब टी एच मॉर्गन जो है वो ड्रोसोफिला पे स्टडी कर रहा था, तो उसने जो फिनोटिपिक रेशो डराइव की, उसमें उससे पता चला कि, मतलब वो सेक्स लिंक स्टडीज कर रहा था उसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर, तो उसको पता चला कि जो उसकी एक्सपेक्टेड फिनोटाइप थी उससे जो है जो फिनोटाइप आई है वो अलग है, ठीक है। सो ये डिविएशन के कारण क्या थे? सो टी एच मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अगर दो जीन्स हैं वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सो उससे क्या होगा कि रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। सो हमने जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर ऑब्जर्व किया था कि जो जब एफ टू जनरेशन आई थी, तो उसके टाइम पे कोई भी रिकम्बिनेशन बने थे, मतलब ये नहीं था कि जो रिंकल सीड था या कलर ऑफ सीड था वो एक दूसरे से लिंक्ड थे, वो इंडिपेंडेंट थे। उन्होंने कोई भी ये नहीं है कि जो रिंकल सीड था वो उसका कलर जो था वो येलो ही था, ठीक है, मतलब वो ग्रीन के साथ भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो सब कर रहा है, तो मतलब उसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, ठीक है, वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं थे दोनों करेक्टर्स। बट कई बार क्या होता है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने के कारण दो जीन्स लिंक्ड हो जाते हैं, मतलब दो करेक्टर्स आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, जैसे कि हो सकता है कि हाइट और कलर का करेक्टर जो है वो आपस में लिंक हो जाए, वो साथ में ही आगे जाए, तो उससे क्या होता है रिकम्बिनेशंस, नई कम्बिनेशंस बनने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। और सेकंड पॉइंट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर जो दो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे हैं और वो टाइटली लिंक्ड हैं, तो वो रिकम्बिनेशन कम उसके चांसेस हो जाते हैं। ये वही फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है। थर्ड पॉइंट है व्हेन जीन्स आर लूजली लिंक्ड दे शो हायर रिकम्बिनेशन, तो इसका एक वाइस वर्सा पॉइंट उसने बना दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स आर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ईच अदर, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब या तो लिंकेज होगी या क्रॉसिंग ओवर होगी, ये पॉइंट हमें पता है, पर इसको जस्टिफाई करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो जो लिंकेज होती है वो होती है कि दो जीन्स इतने पास प्रेजेंट हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, और क्रॉसिंग ओवर तब होती है कि जब न्यू रिकम्बिनेशन हो रही है और क्रॉसिंग ओवर मतलब हो रही है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा। सो इफ द लिंकेज इज हाई, ठीक है, देन द क्रॉसिंग ओवर विल बी लो, कि अगर लिंकेज हाई है तो क्रॉसिंग ओवर लो होगी, इफ द क्रॉसिंग ओवर इज हाई देन लिंकेज विल बी लो, एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। और अब हमने इसी एग्जांपल क्या दी है, हमने कोट किया यहाँ पर ड्रोसोफिला की एग्जांपल, यही हमारी बुक में भी गिवन है। तो एक ड्रोसोफिला में क्या होता है कि येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल
वॉज क्रॉस्ड विद द बॉडी ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल. सो इसमें दो करेक्टर्स पकड़े उन्होंने, बॉडी का कलर, ठीक है, और दूसरा जो आईज का कलर होता है. तो हमने फीमेल ली येलो बॉडीड, येलो कलर की और वाइट आइड, और मेल लिया रेड आइड और ब्राउन बॉडीड. इन दोनों को क्रॉसिंग ओवर करवाई. सो अब जब तो हम ये दो करेक्टर्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो ये है एक डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जनरली हम क्या देखते हैं कि जो रेशो आती है वो आती है 9:3:3:1, ठीक है. बट जो ये फिनोटिपिक रेशो आती है, बट इस केस में क्या हुआ, जो फिनोटिपिक रेशो है वो ये नहीं आई. उसका कारण था कि इतने ज़्यादा रिकम्बिनेंट्स नहीं फॉर्म हुए, बिकॉज जो ये दो करेक्टर्स थे आई कलर का और बॉडी कलर का, ये दोनों आपस में लिंक्ड थे, जिसके कारण इतनी क्रॉसिंग ओवर नहीं बन पाई, नए रिकम्बिनेशन नहीं बन पाए, बने बट उतने नहीं बन पाए, ठीक है, जितने बनने चाहिए. यहाँ पर हमने देखा कि लिंकेज होने के कारण जो है क्रॉसिंग ओवर, या कह सकते हो रिकम्बिनेंट्स की जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो लो हो गई. ये पॉइंट प्रूव हो गया कि जो लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर है वो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज F1 प्रोजनी ऑफ पी प्लांट बेरिंग वॉयलेट फ्लावर्स एंड स्नैपड्रैगन प्लांट बेरिंग रेड फ्लावर्स वर सेल्फ टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव F2 प्रोजनी. कंपेयर द फीनोटाइप्स, द जीनोटाइप्स एंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव F2 प्रोजनी. सो इसके अंदर हमने क्या किया है कि मतलब बेसिकली जो हमने करना है इसके अंदर, कि एक जो वॉयलेट फ्लावर्स वाला पी प्लांट है और एक जो है स्नैपड्रैगन है, तो उस जिसके पास रेड फ्लावर्स है, उनके अपने अपने हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस बनाने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर कर देना है. इनका कुछ आपस में कोई रिलेशन हमने शो करना है कि ये इसके अंदर कौन सी किस तरह से हो रही है इनहेरिटेंस और दूसरे में किस तरह से इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पी प्लांट का केस, ठीक है. इन पी प्लांट देयर इज़ कंप्लीट डोमिनेंस होती है इसके अंदर, ठीक है. और इन दिस 3 जीनोटाइप्स ऑफ फ्लावर्स कैन बी सीन. 3 तरह के जीनोटाइप्स फ्लावर्स की देखने को मिलती है. एक हो गई होमोजाइगस वॉयलेट, एक हेट्रोजाइगस वॉयलेट और एक होमोजाइगस वाइट. बट इट हैज़ 2 फिनोटाइप्स. फिनोटाइप्स 2 ही हैं, क्यों? बिकॉज जो ये वाली जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है वो कौन सा कलर शो करती है, वॉयलेट फिनोटाइप ही शो करती है. सो फिनोटाइप्स कितनी होगी, एक वॉयलेट और एक वाइट. सो जो प्रोजनी ऑफ F1 जनरेशन इज डोमिनेंट वॉयलेट फ्लावर्स विद हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. सो हमने यहाँ पर F1 जनरेशन नहीं शो की है, बिकॉज इसके अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि F1 जनरेशन जो है वो पहले ही प्रोड्यूस कर ली हुई है, सिर्फ F2 जनरेशन में किस तरह से इनहेरिटेंस होती है वो हमने बतानी है. तो F1 जनरेशन आप ड्रॉ भी कर सकते हो क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है. सो F1 जनरेशन में क्या है, डोमिनेंट वॉयलेट फ्लावर्स जिनकी जीनोटाइप थी हेट्रोजाइगस कैपिटल W एंड स्मॉल W. अब हमने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई. सेल्फ पॉलिनेशन पे हमारे पास ये जो है ये मैंने ड्रॉ की है सेल्फ पॉलिनेशन का टेबल. सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक तो आपके पास डोमिनेंट वॉयलेट आया है, एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस वॉयलेट हो गया, ये हेट्रोजाइगस वॉयलेट हो गए दो, और ये जो है ये होमोजाइगस वाइट आया है. सो फिनोटाइप क्या बनी, 3 वॉयलेट और एक वाइट, ठीक है. 3:1 इज द फिनोटाइप. सो अब आपकी जो है जीनोटाइप क्या बनी, एक आ गया होमोजाइगस वॉयलेट, एक आ गया दो आ गए हेट्रोजाइगस वॉयलेट और एक हमारे पास आ गया होमोजाइगस वाइट. सो रेशो इज 1:2:1, ठीक है. वेयर एज इन स्नैपड्रैगन प्लांट देयर इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि अगर जैसे दो करेक्टर साथ में प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला करेक्टर भी नहीं शो होगा, सेकेंड वाला करेक्टर भी नहीं शो होगा, बल्कि एक नया ही करेक्टर डिवेलप हो जाएगा, ठीक है. सो इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन प्लांट है उसके अंदर 3 जीनोटाइप्स होती हैं और 3 ही फिनोटाइप्स होती हैं, ठीक है, फ्लावर कलर की. एक है रेड, पिंक और वाइट. सो उसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अगर कैपिटल W स्मॉल W साथ में प्रेजेंट था तो कलर क्या आता था, कैपिटल W का ही आता था, दैट इज़ वॉयलेट कलर ही शो होता था हेट्रोजाइगस कंडीशन में. बट इन स्नैपड्रैगन क्या होता है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो नया कलर बन जाता है, ना वो रेड रहता है ना वो वाइट रहता है, बल्कि नया कलर बन जाता है, दैट इज़
पिंक. सो इस करेक्टर को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, तो जब हमें पता है जब हम F1 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमेशा हेट्रोजाइगस ही आती है. सो इसके वैसे तो दूसरे केसेस में जो थी वो डोमिनेंट वाली आ रही थी, बट इसके अंदर जब हेट्रो F1 जनरेशन जो है वो सारी क्या आ जाएगी, पिंक कलर की आ जाएगी बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है, तो उसके अंदर सारे फ्लावर्स क्या होंगे, पिंक कलर के. सेल्फ पॉलिनेशन जब हम करवाते हैं इस तरह से, सो जो आगे प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, अब सारे प्लांट्स पिंक थे तो फिर प्रोजनी पिंक होने चाहिए, नहीं, जो करेक्टर F1 जनरेशन के से पहले थे वो दोबारा यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं. लाइक हम लोगों को यहाँ पर रेड कलर के भी फ्लावर दिखेंगे, हमें यहाँ पर दो जो हैं वो पिंक कलर के और एक जो है वो हमें वाइट कलर का भी मिलेगा. तो हमें तीनों फिनोटाइप्स देखने को मिलेगी. सो जो फिनोटिपिक रेशो है वो भी 1:2:1 है, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो भी 1:2:1 है. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर 5 मार्क्स क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन एंड सीड शेप ऑफ पाइसम सैटिवम एंड वर्क आउट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द अबव ट्रेट्स. हाउ डज दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डेविएट फ्रॉम व्हाट मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्या डिस्कस कर रहे हैं, दो ट्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, एक तो है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन और दूसरा है सीड शेप, दोनों पाइसम सैटिवम में ही हैं. सो अब इन दोनों को जो है एक ही जीन कंट्रोल करता है. ठीक है, एक ही जीन से ये दोनों कंट्रोल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर दो अलग अलग करेक्टर्स की दो अलग अलग जीन्स की बात नहीं हो रही है. तो यहाँ कौन सा क्रॉस आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा. ठीक है, तो उसके बाद हमने एक बात याद रखनी है कि जो ये करेक्टर्स हैं इसके अंदर कौन सी शो होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है. ठीक है, इसमें कम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होती है. सो यहाँ पर एक ये हम लोग देख सकते हैं, ये मैंने चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, ये क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो पेरेंट्स जो हैं वो है कैपिटल बी और स्मॉल बी. कैपिटल बी मतलब बिग या राउंड. बिग जो है वो यूज़ किया गया है यहाँ पर स्टार्च ग्रेन के लिए, और राउंड जो है वो शेप की बात की गई है, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों को एक ही जीन जो है कंट्रोल कर रहा है, तो हम स्लैश डालकर दोनों करेक्टर्स लिख सकते हैं. और सिमिलरली जो स्मॉल बी है वो स्मॉल और रिंकल. जो F1 जनरेशन आई है वो आई है कैपिटल बी. ठीक है, तो जो कैपिटल बी होती है वो इंटरमीडिएट राउंड साइज़ की होगी, बिकॉज हम यहाँ पर पता है हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. सो इसका मतलब है कि ना तो वो बिग होगी ना वो रिंकल लोग, एक बीच वाले. से उस पिछले केस में हमने देखा ना फ्लावर रेड थे ना वाइट थे, बल्कि पिंक कलर के हो गए, इंटरमीडिएट कलर आ गया. इसी तरह से यहाँ पर ना ही शेप जो साइज़ है स्टार्च ग्रेन का वो बिग होगा, ना ही वो स्मॉल होगा, ना ही वो राउंड शेप के सीड होंगे, ना ही रिंकल शेप के होंगे, इंटरमीडिएट जो है उनका साइज़ और शेप होगी. उसमें हमें पता चाहे F1 जनरेशन में जो करेक्टर नहीं भी शो होते वो F2 जनरेशन में दोबारा शो होने लगते हैं जो पेरेंट्स में प्रेजेंट थे. तो इसलिए यहाँ पर जो है एक बिग और राउंड शेप का, और उसके बाद नेक्स्ट है दो इंटरमीडिएट और एक स्मॉल रिंकल्ड. सो इस तरह से जो रेशो आ गई, अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशो की, तो वो आ गई 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशो भी सेम ही होती है 1:2:1. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो आप देख रहे हो सेम आई है. तो इस तरह से जो है ये मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस से डेविएट कर जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, इट्स फर्स्ट पार्ट इज़ हाउ डज़ द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम द मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो बात करूँ मैं फर्स्ट डिसऑर्डर की, मेंडेलियन डिसऑर्डर, दिस इज़ द मेनली ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन. इसमें सिंगल जीन की म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन के कारण ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, जबकि जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है एज द नेम इंडिकेट्स ये जो है एब्सेंस या एक्सेस या अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम्स होते हैं. तो ये जीन के साथ के कारण होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है वो क्रोमोजोम में प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं. उसके बाद सेकंड पॉइंट इज दिस फॉर्म फॉलोज द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. सो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, और जबकि जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है इट डू नॉट फॉलो.
द मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह को वो नहीं फॉलो करता, जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर करता है. थर्ड पॉइंट इज दिस में बी रिसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर, दिस इज़ ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर. मैंने आपको आगे भी बताया है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता. फोर्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल्स, तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर की हैं, और टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की एग्जाम्पल है. सो यहाँ पर हैं टू क्रोमोसोमल एब्रेशन एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स दैट आर डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ठीक है, अब थर्ड है, इसी को एक्सप्लेन करना है दोनों डिसऑर्डर्स को ही. फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम के करेक्टरिस्टिक्स. इससे पहले आपको मैं बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चंस में कि ये क्यों होता है, ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. ठीक है, इसके क्या करेक्टर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट स्टेचर होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, पार्शली ओपन माउथ होता है, प्रोट्रीडिंग फरो टंग होती है, और ब्रॉड पाम होती है, और स्लो मेंटल डिवेलपमेंट होती है. और उसके बाद आ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ये क्यों होता है कि जब मेल्स के अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लाइक मेल्स की जीनोटाइप एक्स वाई होती है, बट इसके अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है जिसके कारण एक्स वाई हो जाती है उनकी जीनोटाइप. सो इसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके अंदर वैसे तो बाकी सारी मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, बट एक फेमिनिन कैरेक्टर क्या आ जाता है, यहाँ पर डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है, और ये जो होते हैं इंडिविजुअल ये स्टराइल होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, लिस्ट द थ्री डिफरेंट एलीलिक फॉर्म्स ऑफ जीन आई इन ह्यूमन, एक्सप्रेस द डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड बाय थ्री फॉर्म्स. सो हमने बताना है कि आई जो है जीन, उसकी कौन कौन से एलीलिक फॉर्म्स हो सकती हैं, और वो जो पर्टिकुलर एलीलिक फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से करेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं. सबसे पहले तो हम बात करें कि तीन एलीलिक फॉर्म्स होती हैं, आई की आई ए, आई बी एंड आई ओ, और यू कैन से स्मॉल आई. तो ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं पहले ही आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 3 था उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन सा एलील डोमिनेंट है, रिसेसिव है. अगर ये आई के ऊपर अलग अलग एलील्स हैं और इसके कारण जो है बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बनती हैं, तो इन सारी कॉम्बिनेशंस जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारी बनती है, बट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन जो है सिर्फ 4 ही एक्सप्रेस होती हैं, जो मैं आपको आगे टेबल में शो करूँगी. यू कैन सी इन दिस टेबल के एलीलिक फॉर्म फ्रॉम पेरेंट 1 ये सब हो सकती हैं, एलीलिक फॉर्म फ्रॉम पेरेंट 2, और जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ये लाइक अगर आई ए आ रहा है पेरेंट 1 से और आई ए आ रहा है पेरेंट 2 से, तो ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप होगी आई ए आई ए. और इसी तरह से अगर स्मॉल आई आ रहा है पेरेंट 1 से, स्मॉल आई आ रहा है पेरेंट 2 से, सो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी स्मॉल आई स्मॉल आई. अगर आई बी आ रहा है फर्स्ट पेरेंट से और स्मॉल आई आ रहा है दूसरे पेरेंट से, तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी आई बी एंड स्मॉल आई. सो अब इन केसेस में फर्स्ट केस में अगर हम देखें जिसमें आई ए ही है दोनों, उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग की फिनोटाइप होगी वो ए होगी. सेकंड केस में आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट है जो इक्वली शो करेंगे अपनी फिनोटाइप और कोडोमिनेंस करेंगे, तो ए बी होगा ब्लड ग्रुप. थर्ड में आई ए और स्मॉल आई है, सो हमें पता है कैपिटल आई ए जो है वो डोमिनेंट है, सो जो ब्लड ग्रुप है कैपिटल ए मतलब सॉरी ब्लड ग्रुप ए होगा. और उसके बाद अगर आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा. नेक्स्ट केस में ब्लड ग्रुप बी होगा बिकॉज स्मॉल आई पे कैपिटल आई भी डोमिनेंट है. और अगर स्मॉल आई दोनों साथ में प्रेजेंट हैं, जो रिसेसिव करेक्टर अगर वो साथ में प्रेजेंट है, तो वो अपना फिनोटाइप शो करेगा, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ओ. सो इस तरह से जीनोटाइप्स तो टोटल 6 हैं, बट जो फिनोटाइप्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ, डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स इन द फॉलोइंग स्टार्टिंग विद येस और नो फॉर ईच. दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद ब्लड ग्रुप ए ओनली. क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सिर्फ चिल्ड्रन प्रोड्यूस करे जिनका ब्लड ग्रुप ए ही हो? सो आंसर इज येस, दे कैन प्रोड्यूस ऑल द चिल्ड्रन विद ब्लड ग्रुप ए.
ये कब हो सकता है? अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हो। सो जो फर्स्ट पेरेंट है वो अपना आई ए एलील देगा दोनों केसेस में, और जो दूसरा पेरेंट है वो आई ओ देगा, या स्मॉल आई भी कह सकते हो। सो जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसका ब्लड ग्रुप होगा आई ए आई ओ, जिसके अंदर हमेशा आई ए ही डोमिनेंट होता है। सो सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे F1 जनरेशन के वो सब ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं सेकंड पार्ट क्या था। सो सेकंड पार्ट इज दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप एंड सम विद ए ब्लड ग्रुप। सो इसका आंसर है येस, व्हेन द वुमेन इज हेट्रोजाइगस। अगर वुमेन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है सो ये पॉसिबल है। लाइक अगर जो है वुमेन यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लाइक उसका आई ए आई ओ है ब्लड ग्रुप, और जो दूसरा है पेरेंट मेल उसका है आई ओ आई ओ, ठीक है, तो वो आई ए जो फीमेल है वो देगी आई ए और आई ओ एलील, और जो मेल है वो दोनों केसेस में देगा आई ओ। सो इसके अंदर क्या होगा कि एक इंडिविजुअल जो है वो कौन सा प्रोड्यूस होगा, आई ओ कंडीशन वाला होमोजाइगस ओ ब्लड ग्रुप वाला प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण वो उसकी फिनोटाइप क्या होगी, ब्लड ग्रुप ओ। सो ये थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CBSE क्लास 12th के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज़ इफ़ यू हैवंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।